हेलो गाइस, मैं हूँ अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद तभी। तो गाइस, आज है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स की वीडियो नंबर 2। और इस वीडियो में हम दो थ्योरम को प्रूव करेंगे। ओके गाइस, तो ये जो थ्योरम्स हैं ये इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स के बारे में आपको इसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, प्रूफ में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको समझना है क्योंकि ये एक आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे इसके बारे में। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी वीडियोज़ देखनी है बीएससी मैथमेटिक्स रिलेटेड तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरम कहता है कि करस्पॉन्डिंग टू ए कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देयर एग्जिस्ट मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ओके, तो गाइज इसका कहने का मतलब ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक जो एक मैट्रिक्स ए है जो इसके रूट्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लैम्डा, उसके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स होगा वो मोर देन वन होगा। वो यही हमें प्रूफ करना है। ओके, मतलब कि लैम्डा की किसी एक वैल्यू के लिए एक्स के कई सारे वैल्यूज़ होंगे, मतलब एक्स कई सारे होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको प्रूफ करें, इसका प्रूफ। ओके, तो लेट लेट एक्स बी अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। देन यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट एक्स बी ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। देन हम जानते हैं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या करता है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जो होता है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जहाँ पर लैम्डा क्या है, हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है। ओके, तो इस इम्प्लॉयज़ दैट अगर हम दोनों साइड के से मल्टीप्लाई करा दें तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों साइड के से मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, तो ये इम्प्लॉय करता है, ये भी इस मैट्रिक्स इस जो इक्वेशन है मैट्रिक्स इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इस इम्प्लॉयज दैट के एक्स इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। ओके, तो देखिए ये बस इतना इसका प्रूफ है, लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो लैम्डा होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा लैम्डा, उसके करस्पॉन्डिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हैं वो मोर देन वन होंगे। यहाँ पे हमने प्रूफ किया, हमने माना कि जो एक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। तो फिर हमने किसी दोनों तरफ साइड मल्टीप्लाई कराया तो हमें मिला कि के एक्स इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। ओके, ये यहाँ पे लैम्डा है। ओके, तो ये था फर्स्ट थ्योरम। अब हम चलते हैं सेकेंड थ्योरम पर। तो गाइज ये हमारा दूसरा थ्योरम है, और सेकेंड थ्योरम में कहता है करस्पॉन्डिंग टू ए कैरेक्टरिस्टिक, सेम उसी का उल्टा है ये, करस्पॉन्डिंग टू ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देयर एग्जिस्ट ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक रूट। ओके, तो इसके कहने का मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स है उसके जो करस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक रूट एग्जिस्ट करता है। ओके गाइस, तो इसी को हम प्रूफ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इसको मान लेते प्रूफ। लेट यहाँ पे देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक रूट हों। ओके, लेकिन मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल लैम्डा वन एंड लैम्डा टू बी टू कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बी टू कैरेक्टरिस्टिक रूट्स करस्पॉन्डिंग टू द वेक्टर
द, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स। ओके, अगर ऐसा है, लेट इफ पॉसिबल लैम्डा वन लैम्डा टू बी टू कैरेक्टरिस्टिक रूट्स करस्पॉन्डिंग टू द वेक्टर एक्स, देन अगर ऐसा है तो क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वन एक्स होगा एंड ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टू एक्स होगा। ऐसा ही होगा ना, अगर लैम्डा वन लैम्डा टू कैरेक्टरिस्टिक रूट है करस्पॉन्डिंग टू ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स, तो ऐसा ही होगा। ओके, तो अब यहाँ से हम देखते हैं, अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इट्स इम्प्लॉयज़ दैट लैम्डा वन एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टू एक्स। ओके, ये, और यहाँ से हमें देखते हैं कि लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू एक्स इज इक्वल टू इतना। ओके, हमने इसको इस साइड लाया, चूँकि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो नल मैट्रिक्स, क्योंकि हमने माना है जो एक्स होता है, जो करेस्पॉन्ड जो कैरेटस्टिक वेक्टर होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। ओके, तो इसलिए हमें यहाँ से मिलता है कि लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से हमें मिलता है कि लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू। ओके, तो यहाँ से पता चलता है कि लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू है, मतलब कि जो कैरेटस्टिक रूट्स हैं वो कैरेटस्टिक वेक्टर के करस्पॉन्डिंग केवल एक ही हो सकते हैं, दो नहीं हो सकते। इसलिए जो यहाँ पे हमने लैम्डा वन लैम्डा टू माना हुआ था, दोनों लास्ट में इक्वल आते हैं, मतलब ये दोनों सेम होंगे। ओके गाइस, तो ये थे दो थ्योरम जिसको अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं तो आपको कैरेटस्टिक वेक्टर और कैरेटस्टिक रूट को समझने में आसानी होगी। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।